friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detailed discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provided link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. So hello friends, start today's topic. So today's topic is cell, the unit of life. So in this particular chapter, we detailed discuss about cell. What is cell, we each know, है ना? Cell क्या होती है, हम सभी जानते हैं. Cell जो होती है, क्या होती है? Basic unit of life होती है. Cell क्या होती है? Basic unit of life होती है. सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल से ही हमारी लाइफ बनी हुई है. ठीक है, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं. सेल से क्या बनते हैं? सेल से हमारे क्या बनेंगे? सेल से हमारे क्या बनेंगे? सेल से हमारे टिश्यू बनेंगे. सेल से हमारे टिश्यू बनेंगे. टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे. टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे. और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी ओएस ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाएगी. वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है ना, प्लांट का हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है. तो उसी में सेल से ही मिलकर बनी होती है बॉडी, है ना. तो हम देखेंगे एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या लिखा गया है, उसके बाद मैं आपको सिंपल तरीके से सारी की सारी चीज़ें इलेबोरेट करके बता दूंगा. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, है ना. सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था, सारी की सारी चीज़ें उसमें देखेंगे. और फिर उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल, उसमें सेल का ओवरव्यू देखेंगे. और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट. सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं. कौन कौन सी चीज़ें? लिविंग और नॉन लिविंग, है ना. जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे, यानी अपने हम घर पे ही देखेंगे, तो हम घर के बाहर देखेंगे बहुत सारी लिविंग चीज़ें, डॉग, कैट, बिल्ली, हम लोग खुद लिविंग हैं, है ना. नॉन लिविंग चीज़ें, चेयर्स, बुक्स, ईच एंड एनीथिंग, सो ये नॉन लिविंग में आई, है ना. तो नॉन लिविंग चीज़ें और लिविंग चीज़ें हम दोनों देखते हैं, डेली देखते हैं हम अपने घर के चारों तरफ या चारों तरफ. ठीक है, समझ गए होंगे. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब हम नॉन लिविंग लिविंग चीज़ें दोनों देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, ऐसा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, यानी जीवित बनाता है. क्या होता है लिविंग का मतलब? जीवित, है ना. एक ऑर्गेनिज्म को ऐसा क्या है जो जीवित बनाता है, जो कि क्या है, जो कि व्हाट डैट इज इनेमिनेट थिंग डज नॉट हैव. जो कि इनेमिनेट का मतलब होता है निर्जीव, यानी जिसमें जान ना हो, यानी जो जीवित ना हो, यानी नॉन लिविंग. क्या होता है इसका मतलब? नॉन लिविंग. ठीक है, ऐसा क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाता है, जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है. ठीक है, जिसे वो जीवित नहीं है. ठीक है, द आंसर टू दिस इज प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर क्या है? द आंसर टू दिस प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. इसका आंसर हमको ये मिलता है कि जो इनमें लिविंग में क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होती है. बेसिक यूनिट लाइफ किसको बोलते हैं? हम सेल को बोलते हैं. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाती है, और जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती. इसका मतलब ये सिंपल वर्डों में. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कंपोज ऑफ सेल, यानी वो सेल से मिलके बने होंगे, है ना. वो सेल से मिलके बने होंगे. कंपोज से मिलके बना होना, से मिलकर बना होना, सेल से मिलके बना होना. ठीक है, यानी वो सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के मिलके बने होते हैं. मैं आगे चल के बताऊँगा. ये ओमनी सुल्लाई जो रोडॉल्फ बर्थोस सामने दिया था, उसका एक हाइपोथेसिस है. मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, यानी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं. सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल,
है ना, कुछ जो होंगे वो सिंगल सेल से मिलके बने होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, जो सिंगल सेल से मिलके बने होंगे उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना। यूनिसेलुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें सिंगल सेल होती है, यूनी का मतलब ही होता है सिंगल, यूनी का मतलब क्या होता है सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सिंगल सेल से मिलके बने होंगे तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बहुत सारी सेल से मिलके बने होंगे, कंपोज ऑफ मेनी सेल, है ना, बहुत सारी उसमें सेल होंगी तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा चीज, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ मल्टी सेलुलर, ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल का प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे जिनकी सेल सिंगल सेल की बनी होगी, यूनि का मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अभी हमने आपको पीछे बताया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल जो होगी एक सेल से बने होंगे ये उनकी बॉडी, ठीक है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किसमें कैपेबल होते हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व, यानी वो अपना स्वतंत्र, मतलब वो आराम से स्वतंत्र तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, है ना। एंड सेकंड में क्या दिया है, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और अपने लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शन है, यानी एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है जरूरी, जो अपनी लाइफ के जरूरी फंक्शन है उनको वो परफॉर्म कर लेंगे, है ना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में गुण होते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है, लेस हो रहा है, इसमें से कम हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को, इंडिपेंडेंट लिविंग को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, अगर इनमें से कुछ भी कम हुआ तो वो इंडिपेंडेंट नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, है ना, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं माना जाएगा। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से कोई भी कुछ कम हुआ तो उसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, हेंस सेल इज द फंडामेंटल, सेल क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसमें यही बताया गया है, क्या क्या बताया गया हमको, जो सेल होती है, सेल होती है वो क्या होती है, सेल इज द फंडामेंटल, सेल होती है फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हुई सेल, क्या हुई सेल, फंडामेंटल हुई, फंडामेंटल हुई, स्ट्रक्चरल हुई, और फंक्शनल हुई, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हुई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। लाइफ सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया, है ना। लिविंग सेल को सबसे पहली बार किसने देखा, एंटीवॉन लुबेनॉग फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब ए लाइफ सेल, है ना। लाइफ सेल को पहली बार एंटीवॉन लुबेनॉग साहब ने देखा, कब देखा, 1674 में एंटीवॉन लुबेनॉग साहब ने लाइफ सेल को देखा। और हमसे ये पूछते हैं कि डेड सेल को सबसे पहली बार किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक ने 1668 में, यानी 1668 में रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल को देखा। डेड सेल में किसकी सेल को देखा, कॉर्क की डेड सेल को देखा, है ना, कॉर्क की डेड सेल को, कॉर्क डेड सेल को देखा किसने, रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक साहब ने 1668 में, यानी 1668 में, ठीक है। और जो अगर लिविंग सेल के बारे में पूछा, लाइफ सेल को किसने देखा, तो एंटीवॉन लुबेनॉग ने फर्स्ट टाइम लाइफ सेल को देखा 1674 पे, है ना, 1674 पे। और हमसे ये भी पूछते हैं कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी वो किसने किया, है ना, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 पे, है ना, कब की, 1831 पे, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, जो एंटीवॉन लुबेनॉग फर्स्ट सॉ द लाइफ सेल एंड, और उसको डिस्क्राइब किया, जो एंटीवॉन लुबेनॉग साहब से उन्होंने पहली बार लाइफ सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन
लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद क्या न्यूक्लियस की खोज की, यानी हमारी डेड सेल की खोज होने के बाद ही हमारी लाइव सेल की खोज हो पाई। ठीक है, ये इतना आसानी से क्यों हो गया, ये हम सेल की डिस्कवरी अच्छे से क्यों कर पाए, सारी की सारी चीज़ें इसमें क्यों ऐसे जान पाए उसके बारे में, तो इसमें इसका मेन रोल किसमें है, इसका मेन रोल माइक्रोस्कोप का है कि माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुई, माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, तो उसके बाद ही सारी की सारी हम सेल के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाए। तो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल इन सेल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप की खोज हुई और फिर उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये क्या होता है, चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई कर देता है ना, मैग्नीफिकेशन कर देगा उसका, कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं, हाई मैग्नीफिकेशन पावर, है ना। इसमें क्या होता है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये छोटी सी छोटी चीज़ को, है ना, इससे हम देख सकते हैं, तो सेल के अंदर की सारी की चीज़ें हम इससे स्टडी कर पाएँ। अब ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने खोजा था, तो 1950 में अर्नेस्ट रस्का, है ना, अर्नेस्ट रस्का नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, इसी से हम सेल की अच्छे से डिटेल्ड स्टडी कर पाए इसकी खोज के बाद। ठीक है, इसकी खोज के बाद सेल की डिटेल स्टडी कर पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। सो अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।